एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि पार्लर हो चुका है बिल्कुल ठीक। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया अपनी प्रॉब्लम और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत ज़्यादा प्यार मिला और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विश किए मुझे। तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा वाला थैंक यू। पार्लर हो चुका बिल्कुल काम करने के लिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल परमानेंट ठीक हो चुका। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हमें इसको शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा। तो इसी में मैं आपको रोज अपने वीडियो बना के दिखा पाऊंगी। तो मैंने वीडियो आज बनानी है कि उलझे बालों के लिए, क्योंकि उलझे बालों की मैंने बहुत वीडियो बनाई है, बट मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि और डीपली सिखाइए, हमारे बाल नहीं सुलझ रहे इस तरीके से भी। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली सिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक कॉम आपको लेनी पड़ेगी मार्केट से, एक कॉम आप खरीद लेना। सबसे पहला काम आपने यही करना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हैं, आपके हैंडल नहीं है, या घर में कोई बेबी गर्ल है उसके लिए देखिए, और इसका नाम है जी कॉम, इस पर लिखा भी होगा जी कॉम, ये देखिए इस पर लिखा होगा जी कॉम। और इसका नाम लेके आप मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगी आसानी से, और बहुत कम रेट में मिल जाएगी आपको, नॉर्मल रेट में कहीं भी मिल जाएगी आपको ये, ठीक है। आपको ये सबसे पहले ये खरीदनी है, सबसे जो मेन जो आपका काम है ये कॉम, इसके बिना नहीं होगा, नहीं सुलझेंगे आपके बाल। और मैंने ले लिया डमी की उलझे बाल, ये देखिए इसमें मैं आपको हेयर स्टाइल सिखाती हूँ, ये देखिए चिपके हुए कितने उलझे हुए हैं इसके बाल, बिल्कुल जैसे नारियल का जो छिलका होता है ना ऊपर का, इस टाइप के इसके बाल बने हुए हैं। बट इसमें मैं फिर भी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ क्योंकि मुझे इसको हैंडल करना आता है, आपको भी आ जाएगा अगर आप सीखेंगे तरीके से। तो देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है बालों का, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सजाया। आज मैं आपको थोड़ा और डीपली बता देती हूँ। तो एक कॉम मैंने ले ली है, हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है इधर से, ये पतला सेक्शन लेना है, थोड़ा सा और मोटा ले सकते हो, इधर थोड़ा कम ही उलझे होते हैं तो हमने स्टार्ट इधर से ही करना है। देखिए इनको स्ट्रेट ले लेंगे इसको, देखिए पूरे गुच्छा बना हुआ है और हम इसको देखना कितने अच्छे कर लेंगे बाल 10 मिनट के अंदर। तो हमने क्या करना है, टिप से स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करने को भी है। देखिए हमारे बाल यहाँ तक उलझे होते हैं, अगर हम इधर से मार देंगे तो ये यहाँ जाकर और ज़्यादा मोटी गांठ बन जाएगी। तो हमने यहाँ कोम ना मार के इधर से स्टार्ट कर लिया ताकि हमारा नीचे से निकलता चला जाए टैंगल जो है। तो इसमें ना समझ आने वाली कोई भी गुंजाइश नहीं है इस वीडियो में, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने पहले नीचे से एक दो कॉम मारी हैं, मुझे लगा कि इतने बाल मेरे सुलझ चुके हैं, मैंने थोड़ा सा और ऊपर ले लिया कॉम को, फिर इतने भी निकल गए थे, थोड़ा और ऊपर ले लिया, ऐसे स्टेप बाई स्टेप हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ये इस तरह से। तो ये हो गया हमारा स्टेप, क्लियर हो गया, हम दूसरा सेक्शन लेंगे आराम से लेंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ, आपने जल्दबाजी नहीं मचानी है नहीं तो आपके बाल नहीं सुलझेंगे। ऊपर लेती जा रही उसको, जैसे हम सीढ़ियों पर चलते हैं, पहला कदम रखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हम ऊपर चले जाएंगे। ये देखो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, देख सकते हैं कितने अच्छे से रुचि है। तो दूसरा सेक्शन निकालेंगे, यहाँ से थोड़े से ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा,
हम यहाँ से इसलिए पकड़ेंगे ताकि हमारे किसी भी कस्टमर को या बच्चे को बाल यहाँ से खींचे ना, बिल्कुल भी स्कैल्प पे ना खींचे, तो यहाँ से हम अच्छे से पकड़ लेंगे। तो हम इसको कॉम करेंगे। देख सकते हैं आधे बाल हमारे सुलझ गए हैं 2 मिनट के अंदर। मेन जो हमारा ये होता है, यहाँ पे ज़्यादा हमारे बाल उलझे होते हैं, वो ध्यान से करना है, कम से कम बाल लेने हैं। और इधर से हम कर लेंगे दो पार्ट इसके, इधर हमारा एक पार्ट में नहीं हो पा पाएगा, तो इसको हम दो इस तरह से कर लेंगे ऊपर नीचे कर देंगे अलग, तो इसको भी हम करेंगे नीचे से करेंगे फिर इसको। दूसरे लेंगे पार्टी हम, इसके भी दो कर लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इधर इधर होता ही है सबको, सबसे ज्यादा गर्दन के पास से हमारे बाल उलझते हैं। चाहे आपके बाल उलझे ना हो, तब भी आपने जब भी कॉम करनी है तो आपने नीचे से ही स्टार्ट करनी है। आप डेली रूटीन की जो कॉम करेंगे वो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, कभी आपके बाल लाइफ में उलझेंगे नहीं, कभी गांठें नहीं पड़ेंगी, टूटेंगे नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप इसको पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए पूरा इस तरह से बना हुआ है। ये मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पे ज़्यादा टैंगल दिख रहे हैं, आप हल्के से ऐसे चेक कर सकते हैं कहाँ टैंगल आपको पता चल जाएगा, फील हो जाए थोड़ी। तो मुझे इस एरिया में लग रहा है, तो मैं फिर इसके दो पार्ट कर लूँगी। देखिए गाइस यही बाल हमारे बच्चे हैं, बाकी सारे बाल हमारे सुलझ चुके हैं। ये लास्ट है हमारा, फाइनली पूरी डमी के बाल हमारे सुलझ चुके हैं अच्छी तरह से। गाइस देखा आपने, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये मैंने बहुत ही डीप तरीके से आपको समझाया है किस तरह से आपने फुल
जाने बाद आप पहले सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप इस तरीके से डेली अपनी कोम कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से डेली कोम करेंगे अपने बालों में कभी गांठें नहीं पड़ेंगी, कभी आपके बाल टूटेंगे नहीं। आई होप आपको मेरा तरीका बताने का समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।